तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना रहा हूं, कंट्रोलर उसके अंदर माय कार्ट, यहां पर तो कार्ड फंक्शनलिटी अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको कोडिग्नेटर की कार्ड लाइब्रेरी को लोड करवाना है, तो यहां पर मैं करवा रहा हूं। तो अब मैं एक एरे बना रहा हूं और उसी एरे को कार्ड के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा। अब दिस कार्ट इंसर्ट और उसके अंदर ये मेरा जो डेटा है कार्ड डेटा, यहां से कॉपी और यहां पर पेस्ट। इस तरह से हमने कार्ड के अंदर अपना डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्या करेंगे, उसको डंप करवाएंगे। कार्ट कंटेंट्स अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो यहां पर ब्लैंक आ रहा है, अब देखते हैं क्या हुआ। तो यहां पर हमने जो एरे पास कर रखा है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोडिग्नेटर की जो ऑफिशियल साइट है वो देखते हैं, वहां पर आईडी, क्वांटिटी और जो नेम वो कंपलसरी है एसोसिएटिव एरे के अंदर। चलिए देखते हैं, आप ये प्रिफर कर सकते हो शॉपिंग कार्ट क्लास, एक तरह से लाइब्रेरी है। जितनी भी लाइब्रेरी हमने सीखी है कोडिग्नेटर में, चाहे पेजिनेशन है, फाइल अपलोड है, वैलिडेशन है, और सारे जो क्लास कोडिग्नेटर के इनबिल्ट क्लासेस है, यहां से आप देख सकते हो, प्रिफर कर सकते हो। इसमें कुछ एडवांस भी दिया गया है, वो भी हम आप देख सकते हो, यहां पर है सारे क्लासेस यहां पर है। तो ये आपको स्टडी करना है।
स्वैपिंग कट में देखने जाए तो जो एरर है वो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर साफ दिया गया है, इम्पोर्टेंट नोटिस, द फर्स्ट फोर एरे इंडेक्स इज अबव आईडी, क्वांटिटी, प्राइस एंड नेम। ये चार इंडेक्सिस है जो कि हम एरे पास करवा रहे हैं वो कंपलसरी है। उसके बाद बाकी जो की है एरे की वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये जो चार है वो कंपलसरी है, तो इन चार को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये रहने देते हैं, ये यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब देखिए, पहले हमने एग्जीक्यूट करवा रखा है ये, तो हमने कहा कि जैसे कि ये जो डेटा है वो सेशन में स्टोर करता है, तो ये सेशन में स्टोर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम प्राइवेट ब्राउजर में चेक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, लोकल होस्ट। प्राइवेट ब्राउजर जो है वो सेशन वगैरह को वैल्यू को स्टोर नहीं रखता, वो जो आपकी हिस्ट्री है ब्राउजिंग हिस्ट्री उसको भी सेव नहीं रखता, प्राइवेट ब्राउजिंग है वो। अगर आप फायरफॉक्स में प्राइवेट ब्राउजिंग ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट पी करके ओपन कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और पी। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो क्रोम में कंट्रोल शिफ्ट और एन करके, ये जो इकोग्निटो मोड कहते हैं इसको, प्राइवेट ब्राउजर कहते हैं, उसको ओपन कर सकते हो आप। माई कार्ड, हमने यहाँ पर प्रिंट आर नहीं करवा रखा है इसीलिए। अब देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर, तो जैसे जैसे मैं इसको F5 प्रेस कर रहा हूं, अब देख सकते हो यहां पर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये जो एरे है नीचे वाला एरे, ये कहां से आ रहा है, तो ये पहले जो मैंने करवा रखा है कार्ड का, उसके सेशन में से आ रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो कार्ड जो है वो सेशन में से डेटा को लेके आता है, सेशन में स्टोर करता है कार्ड के डेटा को, तो वो वहाँ से लेके आता है। तो चलिए इसका सेशन क्लियर कर देते हैं और वापस से चेक करते हैं। तो हमने बेसिकली ब्राउज़र को क्लोज किया, वापस से न्यू ब्राउज़र को ओपन किया और वापस से कंट्रोल से फिर एन करके इकोग्निटो मोड या तो फिर प्राइवेट ब्राउजिंग में आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो एरे पास करवा रखा था कार्ड को, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आप इसी कार्ड को मल्टीपल एरे भी दे सकते हो, देखते हैं ब्राउजर में। यहां पर आप देख सकते हो ये जो मैंने मल्टीपल एरे पास करवा रखे हैं कार्ड को, वो डंप करके डिस्प्ले कर रखे हैं। अब मान लो आपको किसी भी एरे को या किसी भी चीज को अपडेट करना है, तो किस तरह से कर सकते हो आप कार्ड के अंदर। तो इस एरे की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ये, इसका रो आईडी। तो इसके रो आईडी के अकॉर्डिंग आप इस एरे को मॉडिफाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं, इस तरह से। अब इसका जो रो आईडी है वो यहां से ले लेते हैं, ये वाला,
और उसकी क्वांटिटी की क्वांटिटी कितनी है? एक। ब्राउजर में देख लेते हैं, दो क्वांटिटी है क्योंकि मैंने ये दो बार एग्जीक्यूट करवा रखा है, तो एक वैल्यू जो है सेशन में से आ रही है और दूसरी वहां पर ऐड हो गई। अगर आप इसको F5 और करते हो तो ये तीन हो जाएगी, मतलब और इसको और एक बार रिफ्रेश करते हो तो ये वैल्यू तीन हो जाएगी, सब में एक एक वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यहां पर मैं उसकी क्वांटिटी 21 कर देता हूं। अब इसको वापस से डंप करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि वैल्यू अपडेट हुई कि नहीं हुई। अब इसको मैं वापस से डंप करवा रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहां पर ये वैल्यू तीन हो गई, जो मैंने कहा था कि दो वैल्यू जो एक प्रीवियस वैल्यू जो होती है वो सेशन में स्टोर होती है। अब आप एक और बार रिफ्रेश करते हो तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी क्योंकि सेशन की जो वैल्यू है और करंट वैल्यू है उसको ऐड कर देता है करंट वैल्यू के साथ, सब में एक एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखो तीन, ये चार, ये छः। अब मैंने जो ये अपडेट करवा रखा है पहले नंबर का एयर है यहाँ पर, उसकी वैल्यू मैंने 21 कर रखी थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वैल्यू 21 है। तो इस तरह से आप सेशन के अंदर कोडिग्नेटर के थ्रू कार्ट को स्टोर कर, कार्ट की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, कार्ट का यूज़ कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो। तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर रहे हो कोडिग्नेटर के अंदर, तो ये जो लाइब्रेरी है कोडिग्नेटर की कार्ट वाली, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारी लाइब्रेरी स्टडी कर सकते हैं, सारे क्लासेस स्टडी कर सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।